जी। आस्था अभी नहीं, यहाँ आ जा। मुझे माफ कर दो मैडम, दोबारा गलती कभी नहीं करेंगे। गलती नहीं, तुम लोगों ने महापाप किया, वो भी माँ दुर्गा के नाम पर, और इस बात के लिए माफी नहीं, तुम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आज के बाद ये तीनों मेरी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, ले जाओ इन्हें यहाँ से। ऐसे लोग अगर मेरे घर में हो तो मैं घर को आग लगाकर उसे शुद्ध करूं। मुझे नफरत है उन लोगों से जो भगवान को नहीं मानते। ये जगह अशुद्ध हो गई है, इसका शुद्धिकरण कर दो। जय माता। मम्मी जी, वो आपके फैक्ट्री के वर्कर्स थे ना, उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आपने उन्हें निकाल दिया? उन्होंने गलती नहीं, महापाप किया। उन तीनों ने माँ दुर्गा के गहने चुराए थे। जय माँ दुर्गे। अब बताओ ये महापाप है या नहीं? आशा, अगर फैक्ट्री का कोई सामान चुराते ना तो शायद मैं इतनी सजा नहीं देती, और उनकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि अपनी लालच के सामने उन्होंने भगवान को भी भगवान नहीं समझा। जो लोग भगवान को भगवान नहीं समझते उन्हें मैं इंसान नहीं समझती। ऐसे लोग मेरी नजरों में नास्तिक हैं। ऐसे नास्तिकों के लिए मेरे घर में, मेरी फैक्ट्री में, मेरे परिवार में कोई जगह नहीं। और अगर मेरा बस चले ना तो दुनिया के सभी नास्तिकों का मैं यही हाल करूं। जो भगवान को भगवान नहीं समझते उनका मन मैला होता है, उनकी सोच, उनकी नीयत अच्छी नहीं होती। मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को मैं समाज में भी ना रहने। तुम भगवान को मानती हो? भगवान की परम भक्त हो? बेटा तुम्हें ये जो गुण है बस इसी की वजह से मैं तुम्हारी सारी गलतियों को अनदेखा कर देती हूँ। गुरु माँ की पसंद हो तुम, हमारे परिवार की बहू हो तुम, मेरे शिव की पत्नी हो तुम। कल अगर मैंने तुम्हें माफ किया ना तो सिर्फ अपने बेटे शिव के लिए। माँ बेटा एक दूसरे के करीब आ चुके और मेरे बेटे ने मुझे माफ कर दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। और तुमने जो गलती की है ना आस्था, वो गलती माफी के नहीं सजा के लायक है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मेरी बेटी गायत्री की शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी जो मेरी बेटी के लायक ही नहीं है। उस दिन मैं मजबूर थी जो मुझे उस घर में भेजना पड़ा उसे, उसी शादी की वजह मेरा अपना बेटा शिव मेरे ही खिलाफ चला गया। अब तुम अगर चाहो तो बाहर जाकर ये सारी बातें सबसे कह सकती हो, लेकिन इतना याद रखना आस्था, मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। खुश रहो।
गलती आपको आपको मदर्स डे पे दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आप सुनिया की बेस्ट मदर है। लेकिन आस्था से मेरी जबरदस्ती शादी करा के ना आपने रिश्ता तोड़ दिया। इसका मतलब तुमने मुझे और राधिका वाली बात के लिए माफ कर दिया? कर दिया मां। आप जानती हैं मैं कितने दिन आस्था के साथ रह के ना मैंने एक बात सीख ली, और वो ये है माँ कि आप जब किसी से प्यार करते हैं ना तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ माँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। जिस तरह आपने आस्था के साथ सब कुछ भुला कर एक नए रिश्ते की शुरुआत की, ठीक उसी तरह मैं भी सब कुछ भुला के आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। और एक नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप मुझ में जो भी चेंजेस देख रहे हैं, जितने भी बदलाव देख रहे हैं, वो सब आस्था की वजह से। आओ। सही कहा शिव, आस्था से अच्छी लड़की तो हो ही नहीं सकती। आओ। इसी बात पे एक फोटो निकाल दो। अरे खड़े रहिए आप लोग एक मिनट। माँ अब आशा के कंधे पे हाथ रखिए। आशा तुम ही रखो। स्माइल। सुपर। अच्छा आप दोनों की तो फोटो हो गई, एक मेरे साथ भी हो जाए। बढ़िया ही ना। मैं काम करता हूँ, मैं ये फोटो बाबा को दिखा के आता हूँ। आया। शिव चला गया है तो अब तुम्हारी एक्टिंग बंद करो। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कैसी हैं आप? खैर आप तो हमेशा अच्छी ही होती हैं, और हमारी तो भगवान से ये दुआ है कि भगवान आपको हमेशा अच्छा और सेहतमंद बनाए रखे। आपकी दुर्गा निवास में आने की हिम्मत कैसे हुई? लक्ष्मी जी आपका ये घर तो एक मंदिर है, और मंदिर में आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। बस मन किया था आपके दर्शन के लिए चला आया। अगर आपकी फालतू बातें खत्म हो गई हो तो आने की वजह बताइए। लक्ष्मी जी आपके और हमारे कारोबारी रिश्ते तो रहे नहीं, बस एक सामाजिक रिश्ता है उसी के लिए चला आया। हर साल की तरह इस साल भी जय दुर्गे प्रतियोगिता हो रही है, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। लक्ष्मी जी आपको कुछ याद है या मैं याद दिलाऊं? जय दुर्गे प्रतियोगिता के साथ तो आपका पुराना रिश्ता है। चलिए मैं आपको याद दिलाए देता हूँ, पिछले 5 सालों से ये प्रतियोगिता हमारा परिवार ही जीतते आया है।
मैं जानता हूँ कि इस मुकुट को जीतने के लिए आप हर साल जी जान कोशिश कर रही हैं, लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं देती। इस साल ये प्रतियोगिता आपके घर में ही आयोजित हो रही है, लेकिन ये मुकुट तो हमारे घर ही जाएगा ना। बस यूं समझिए कि नजर दिखाई के लिए लेकर आ गया। आप इसे जीत नहीं सकती तो क्या हुआ, एक झलक तो देख ही सकती है ना। शर्मा जी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। 5 साल नहीं जीते तो क्या, इस साल जीत सकते हैं। नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार। आपने सही कहा, आखिर इस बार होम ग्राउंड है, जीतने के चांसेस तो हो सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं। क्योंकि क्या है कि हमें ना जीतने की आदत सी पड़ चुकी है और आपको हारने की, तो हर साल की तरह इस साल भी अगर आपको हारना हो तो नाम लिखवा लीजिएगा। देखिए शर्मा जी, गोविंद जी, हाँ गोविंद जी, आपकी श्रीमती जी मना कर रही हैं और सही कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलने में तो लक्ष्मी जी एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये पापड़ बेलना इनके बस की बात नहीं। जय मां दुर्गे। पापा, ये शर्मा जी मुकुट लेके क्यों आए थे, और वो कंपटीशन, वो किस कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था? बेटा दरअसल हर साल ना हमारे मोहल्ले में एक जय दुर्गे कंपटीशन होता है, जिसमें सिर्फ सास और बहू हिस्सा ले सकते हैं। उस कंपटीशन के जीतने वाले को ये मुकुट मिलता है। लक्ष्मी जी बहुत चाहती हैं कि ये कंपटीशन हमारे परिवार में से कोई जीत ले, लेकिन हर बार ना शर्मा जी के परिवार वाले जीत जाते हैं, इसलिए वो ऐसे नजर उठा के बात करते हैं हमसे। यकीन मानो बेटा, लक्ष्मी जी इस मुकुट को इस कदर जीतना चाहती हैं कि उन्होंने तो सारे परिवार वालों को ये भी कह दिया है, जो भी इस मुकुट को जीत के लाएगा ना, वो उसको एक वरदान देंगी। ऐसा वरदान कि वो कुछ भी मांग ले, लक्ष्मी जी मान जाएंगी। लेकिन अब तो लगता है कि इनकी इच्छा ही रहेगी। मिल गया, मम्मी जी के दिल में जाने का रास्ता मिल गया। अब मैं कॉम्पिटिशन जीतूंगी और इस मुकुट को घर लेके आऊंगी। मुझे मम्मी जी का सपना पूरा करना है। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मम्मी जी खुश हो जाएंगी और मुझे माफ भी कर देंगी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।